हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूर्यकांत और आप देख रहे हैं ब्लॉगर सूर्यकांत। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि वर्डप्रेस में जो पासवर्ड होता है डिफॉल्ट पासवर्ड, इतना बड़ा पासवर्ड, मतलब इतने बड़े पासवर्ड को कहीं पे लिखना पड़ता है, उसके बाद इसको कॉपी करके फिर वहां डालते हैं। चलिए, हमारा जो कस्टमाइज पासवर्ड, हमारे जैसे चाहे ऐसे पासवर्ड कैसे रख सकते हैं तो जानते हैं, और इस दिक्कत को, मतलब ऐसे इतना बड़ा पासवर्ड को कैसे हटाए। तो चलिए, वर्डप्रेस में कैसे पासवर्ड चेंज करते हैं तो जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले और एक बात, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और मेरे को इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ मैं कैमरा क्या यूज करता हूँ और माइक कौन सा यूज करता हूँ, उसका लिंक है, चाहे तो वो आप वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धन्यवाद। आप पहले क्रोम ब्राउजर खोल लीजिए, उसके बाद वर्डप्रेस डैशबोर्ड खोल लीजिए। वर्डप्रेस डैशबोर्ड खोलने के लिए अपना डोमेन नेम /wp-admin देख लीजिए, ये वाला आपका डोमेन नेम /wp-admin। तो चलिए मैं खोल लेता हूँ। डैशबोर्ड खोल चुका है और यहाँ पे मैं अपना लॉगिन डिटेल्स डाल देता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए, मैं डैशबोर्ड में लॉगिन हो गया। उसके बाद लेट्स माइट में देख लीजिए यूजर्स होगा, तो यूजर्स में जाना और योर्स प्रोफाइल में क्लिक करना। उसके बाद प्रोफाइल ओपन होगा, ये हो गया, ऐसे पेज खोल जाएगा। तो नीचे चले जाना, नीचे जाने के बाद यहाँ पे देख लेना कि एक जनरेट पासवर्ड का ऑप्शन है, ये वाला, तो इसमें क्लिक कर लेना। तो इसको अभी देख लीजिए, ये शो हो रहा है, तो देखिए ये हाइड है। तो अगर मैं फिर क्लिक करूँगा उसके, देखिए मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ ये शो हो रहा है, तो इसको हाइड कर दिया। फिर देखिए फिर भी हो रहा है, ये थोड़ा नेट का प्रॉब्लम, तो देख लीजिए अभी जो सही हो जाएगा ये। अभी देखिए डायल कीजिएगा, जब देख लीजिए ठीक हो गया। तो ऐसे ही पासवर्ड हाइड करके आप अपना पासवर्ड रखिएगा और अपडेट प्रोफाइल। आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये हाइड, मतलब ये वाला ऑप्शन क्लिक किया था, नहीं तो आप यहीं से अपना पासवर्ड एंटर करके अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद तो आपका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद लॉग आउट कर लेना वर्डप्रेस में। चलिए मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, मैं अपना वर्डप्रेस लॉग आउट हो गया। उसके बाद मैं पहले ये वाला सिक्योरिटी पर्पज के लिए मैं ये हिडन कर दिया। तो चलिए मैं पुराना वाला पासवर्ड से पहले लॉग इन करता हूँ। दे दिया, ये पुराना वाला पासवर्ड था मेरा, और जब लॉगिन किया तो ये ऐसे, मतलब लॉगिन नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम आया। अब मैं नया वाला पासवर्ड एंटर करूंगा और लॉगिन करूंगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, नया पासवर्ड अपडेट हो चुका है। इसी तरीके से आप अपना पासवर्ड चेंज कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे को इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।